We are doing chapter Nazism in Germany. We are revising this chapter. Yesterday you have read about सबसे पहले तो आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा, then Treaty of Versailles as Germany got defeated in this war. So Germany had to sign Treaty of Versailles and on the behalf of Germany who signed this treaty, Weimar Republic. You have read about Weimar Republic also and why Weimar Republic became unpopular in its beginning. क्योंकि उसने इतनी डिसग्रेस ट्रीटी साइन की थी, ह्यूमिलिएटिंग एक्ट था उसका, तो वीमर रिपब्लिक आते ही अनपॉपुलर हो गई. यस्टरडे ऑफ रेड, तो फिर हमने पढ़ा कि हिटलर क्यों पॉपुलर होता जा रहा था, क्योंकि हिटलर ने बहुत से प्रॉमिसेस किए थे, उसकी पर्सनैलिटी सब कुछ ही न्यू हॉट और ड्राफ्ट पीपल यू रेड ऑन कि क्यों हिटलर पॉपुलर होता जा रहा था. अब इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल्सो ऑकर्ड इन होल वर्ल्ड इन दोज डेज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो जर्मनी वाज द वर्स्ट सफरर, क्योंकि जर्मनी तो वैसे ही वार हार गया था एंड जर्मनी हैड टू पे ह्यूज वार फाइन, सच अ 6 बिलियन पाउंड वार फाइन जर्मनी हैड टू पे, एंड जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स भी खाली होते जा रहे थे. तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे वो पूरे वर्ल्ड में आए और जर्मनी वाज द वर्स्ट सफरर. जर्मनी की करेंसी ऑफ वैल्यू जो थी केम डाउन इन ट्रिलियंस. यू हैव रेड. नेक्स्ट, मैंने कल आपको ये भी बताया था हाउ हिटलर केम टू पावर. हिटलर पावर में कैसे आया? जो फर्स्ट इलेक्शन हुए 1928 में तो नाजी पार्टी को इतने ज्यादा वोट्स नहीं मिले थे. फिर 1932 में जो दोबारा इलेक्शन हुए तो हिटलर को मैक्सिमम वोट्स, उसको ज्यादा वोट्स मिले एंड हिटलर जो था उसे प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने बुलाया, बिकॉज प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग वांट टू मेक हिटलर चांसलर जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ जर्मनी. तो कहते हैं मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग ऑफ जर्मनी. हिटलर सेंट हिज एनिमीज टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स. तो हिटलर पास्ड एन इनेबलिंग एक्ट ऑन 3rd मार्च 1933. बाय पासिंग दिस इनेबलिंग एक्ट ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. उसने जो जो किया यू हैव रेड कि कैसे उसने राइट सस्पेंड किए, कैसे जुडिशरी, मिलिट्री, इकोनॉमी हर चीज अपने अंडर ले आया. सारी पावर्स हिटलर के हाथ में आ गई. ही बिकेम द डिक्टेटर इन दिस वे. ही डिस्ट्रप्टेड डेमोक्रेसी एंड एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, जो कि लोग भी चाहते थे. People of Germany were in favor of dictatorship, they were not in the favor of democracy. तो ये भी failure का reason है Weimar Republic का, कि लोग prefer नहीं करते थे democratic form of government. So yesterday we have read all. Now today I'm going to tell you about Hitler's youth. Hitler ने कैसे youth को अपने under किया. सबसे पहले तो उसने उनको bright future देने का promise किया, क्योंकि वो वीमर रिपब्लिक के पीरियड में आप कहते हो कि टर्न टूवर्ड क्राइम्स. अब हिटलर ने इसके लिए कैसे बिगनिंग से सारे एफर्ट्स कैसे किए. फॉर दिस ही कैप्ट एन आई. हिटलर ने सबसे पहले ही कैप्ट एन आई ऑन द स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की स्कूलिंग पे नजर रखी. स्कूल में क्या होता था, ज्यूज चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड टू सिट विद नॉर्डिक आर्यंस. हिटलर ने नॉर्डिक आर्यंस को टॉप रैंक पे रखा. नॉर्डिक आर्यंस कौन होते थे, प्योर ब्लडेड जर्मन पीपल, मदर फादर दोनों जर्मनी के, ठीक है, प्योर ब्लडेड जर्मन पीपल होते थे नॉर्डिक आर्यंस. हिटलर कैप्ट देम एट द टॉप रैंक. ज्यूज जो होते थे हिटलर इनको लो रैंक पे रखता था. ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक्स, दे वर कैप्ट एट लो रैंक, इनको लो रैंक पे रखा जाता था. दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली by Hitler. तो स्कूलिंग में क्या थी, स्कूल्स में क्या किया उसने, he kept an eye on the schooling of the children. उसने सबसे पहले he did not allow Nordic Aryan children to sit with Jews. उसने कहा Nordic Aryan बच्चे जो है ना वो Jews के साथ नहीं बैठेंगे. they were not allowed to play with Jews. तो Nordic Aryan बच्चों को benches पे बिठाया गया, whereas Jews had to stand at the back. तो उसने ज्यूज जितने टीचर्स भी थी ना स्कूल्स में, ही एक्सपेल्ड ऑल द ज्यूज टीचर्स फ्रॉम द स्कूल. सारे ज्यूज टीचर्स भी उसने स्कूल में से निकाल दिए. तो उस वजह से उसने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू किया. एंड स्टीरियोटाइप्स वर मेड अबाउट ज्यूज इन द मैथ्स क्लासेस. हर क्लास में इनके मजाक उठते थे ज्यूज के. तो मैथ्स क्लासेस में व्हाइल टीचिंग टीचर हमेशा बच्चों को ये कहते थे, यहाँ तक कि टीचर्स तक डिस्क्रिमिनेट करते थे, बिकॉज उन्हें कहा गया था. While teaching teachers, वो बच्चों को सिखाते थे draw six just like the nose of Jew. Means उनको इतना उनकी insult की जाती थी Jews बच्चों की.
तो इस वजह से उसने सबसे पहले तो स्कूल में ही बच्चों पे नजर रखी। आउटसाइड द स्कूल भी ज्यूस एंड आर्यन बच्चे इकट्ठे नहीं खेल सकते थे। तो हिटलर जो था ना, ही वांटेड टू मेक आर्यन बॉयज स्ट्रॉन्ग, वो ने स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। तो फॉर दिस, इसके लिए उसने क्या किया, ही मेड बॉक्सिंग कंपल्सरी इन द स्कूल, बॉक्सिंग को कंपल्सरी कर दिया। बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक दैम आयरन हार्टेड, उन्हें आयरन हार्टेड बनाना चाहता था। तो दैट्स वाई ही मेक, उसने क्या की, बॉक्सिंग को कंपल्सरी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आयरन चिल्ड्रन वर टॉट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू हेट द ज्यूज, उन्हें पाठ पढ़ाया गया बिगनिंग में ही, जैसे एक नर्सरी के बच्चे को पढ़ाया जाए थ्रू आउट द स्कूल के हेट द ज्यूज, वर्शिप हिटलर, ये पाठ पढ़ाते थे बच्चों को स्कूल में, हिटलर की पूजा करो एंड ज्यूस से नफरत करो। बॉक्सिंग जो थी वो आर्यन बच्चे, आर्यन बॉयज के लिए कंपल्सरी थी। बिकॉज हिटलर वॉन्टेड टू मेक आर्यन चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, ही वॉन्टेड टू मेक दम फिजिकली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। तो इसके लिए वो उनसे फिजिकल लेबर्स करवाता था बच्चों से, आर्यन बच्चों से। बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक दैम फिजिकली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, उसने कहा आयरन हार्टेड तो बन जाएंगे अगर बॉक्सिंग सीखेंगे, तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी, कल को लेजी ना बन जाए। तो वो उनसे फिजिकल लेबर करवाते थे इन द स्कूल, ताकि वो बच्चे फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, आर्यन बच्चे, आर्यन बॉयज। ही वॉन्टेड टू मेक आर्यन गर्ल्स काइंड हार्टेड, आर्यन गर्ल्स को वो काइंड हार्टेड रखना चाहता था। बिकॉज उसको था कि गर्ल्स हैड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, गर्ल्स को तो फैमिली ही देखनी है, तो इसलिए वो गर्ल्स को हम कहेंगे कि काइंड हार्टेड बनाना चाहता था। वेयर एज टू बॉयज, ही वांटेड टू मेक देम आयरन हार्टेड। तो आयरन हार्टेड बनाने के लिए बॉक्सिंग कंपलसरी होगी स्कूल में, फिजिकल लेबर करवाते थे बच्चों से, बिकॉज ही वांटेड टू मेक देम फिजिकली स्ट्रॉन्ग। अब जैसे ही बच्चा स्कूलिंग कंप्लीट करता, तो उसे आर्मी में ज्वाइन करवा देते, आर्मी ज्वाइन करवाई जाती थी बच्चों को। तो वो जो आर्मी ज्वाइन करते थे ना, वो बिगनिंग से एक पाठ पढ़ के आए थे, हेटर द ज्यूस वर्शिप हिटलर। तो इट मींस जो बच्चा बिगनिंग से एक पाठ पढ़ के आया कि ज्यूस के साथ नफरत करनी है एंड हिटलर की पूजा करनी है, तो वो थी हिटलर की यूथ, ऐसी थी हिटलर की यूथ, क्योंकि वो बिगनिंग से ये सब कुछ सीख के आए थे। और उन्हें हिटलर ने उन्हें किसको कहाँ पे ज्वाइन करवाया, आर्मी में। तो वो बच्चे आर्मी में आ गए, तो आर्मी जो थी, अपने आप सोचो, वो किसको फॉलो करती थी, हिटलर। आर्मी किससे नफरत करती थी, ज्यूस के साथ। तो इस वजह से हिटलर ने बच्चों पे बिगनिंग से ही नजर रखी। नेक्स्ट, हिटलर के पीरियड में जो वुमेन थी, हिटलर तो शुरू से ही चाहता था ही वांटेड टू मेक गर्ल्स काइंड हार्टेड, वेयर एज ही वांटेड टू मेक बॉयज आयरन हार्टेड। तो उसने शुरू से ही कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट किया बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स में। तो गर्ल्स को तो काइंड हार्टेड बनाना चाहता था, बिकॉज ही वाज सुनता कि गर्ल्स हैड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली। तो वो वुमेन के राइट की फेवर में भी नहीं था, ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। उसके अकॉर्डिंग वुमेन को घर में रहना है, घर की चार दीवारी में रहना है, एंड हैड टू डू हाउस होल्ड वर्क, ओनली हैड टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। तो इस वजह से उस बॉयज एंड गर्ल्स में तो बिगनिंग से ही डिस्क्रिमिनेट किया। अब वुमेन को वहां पे राइट मांगने का भी, राइट भी नहीं मांग सकती थी। तो बट यहाँ पे भी उसने एक और काम किया, उसने आर्यन मदर्स एंड ज्यूस मदर्स में भी डिस्क्रिमिनेट किया। आर्यन मदर्स जो थी, हिटलर वॉन्टेड टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ आर्यन चिल्ड्रन, आर्यन चिल्ड्रन, उसको था कि आर्यन चिल्ड्रन जर्मनी में बढ़ जाए, वी वॉन्टेड टू मल्टीप्लाई देयर नंबर। तो आर्यन मदर जब मदर थी ना, तो उसकी प्रॉपर केयर की जाती, जब वो किसी बच्चे को जन्म देती तो उसकी प्रॉपर केयर होती, उसे फैसिलिटीज मिलती, वेरियस फैसिलिटीज, उसे कंसेशन मिलते हॉस्पिटल में, मार्केट में बहुत डिस्काउंट मिलता उसे। तो आर्यन मदर्स के साथ उसने बहुत अच्छा ट्रीट किया, उन्हें बहुत से डिस्काउंट दिए मार्केट में, हॉस्पिटल में कंसेशंस दिलवाए, क्योंकि वो खुद ही चाहता था उसकी कंट्री में आर्यन बच्चे पढ़ जाए। बट
उसने ज्यूस मदर के साथ पुअर ट्रीटमेंट किया. हिटलर डिड नॉट वॉन्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ज्यूस चिल्ड्रन इन हिज कंट्री. वो ज्यूस, अगर उसे पता चलता कि बच्चा जो है वो प्योर ब्लडेड नहीं है, मदर या फादर में से एक ज्यू है, तो वो बच्चा उस पहले तो रेशियल टेस्ट क्लियर करते थे वहां पे बच्चे. हिटलर ने रेशियल एक्सपर्ट रखे हुए थे. बच्चा जैसे ही पैदा होता, डाउटफुल होता केस, तो वो बच्चे को रेशियल एक्सपर्ट को देते. तो अगर बच्चा उस टेस्ट को क्लियर करता तो बच्चा मदर को मिलता था, नहीं तो बच्चे को वो ऑर्फनेजेस भेज देते थे, अनाथालय भेज देते थे. तो इस वजह से हिटलर ने शुरू से ही ज्यूस के साथ, ज्यूस मदर्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेट किया. ज्यूस मदर्स वर गिवन स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स. अगर कोई ज्यू मदर होती थी, ज्यू बच्चे का जन्म होता था, तो ज्यूस मदर वर गिवन स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स. दे वर इंसल्टेड, देयर हेयर्स वर ब्लैकेंड, उनके फेस ब्लैक कर दिए जाते थे. तो इस वजह से दे वर इंसल्टेड, उनकी इंसल्ट की जाती थी बाय नाजी ऑफिशियल्स, नाजी आर्मी, नाजी पुलिस जो थी, वो वुमेन की, ज्यूस वुमेन की बहुत इंसल्ट करते थे इन द सोसाइटी. उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वर गिवन टू द ज्यूस मदर्स, वेयर एज आर्यन मदर्स दे वर ट्रीटेड वेरी इन अ नाइस मैनर. उन्हें कंसेशंस, फैसिलिटीज, डिस्काउंट्स हर चीज मिलती थी. ज्यूस मदर्स के फेस ब्लैक करके उनके हेयर काट देते थे, फेस ब्लैक कर देते थे, तो इस वजह से ज्यूस मदर्स की इंसल्ट की जाती थी. तो इस वजह से हिटलर ने डिस्क्रिमिनेट किया. पहले तो उसने बॉय एंड गर्ल में डिस्क्रिमिनेट किया, बॉयज को आयरन हार्टेड बनाया, गर्ल्स को काइंड हार्टेड. हिटलर के पीरियड में वुमेन को राइट मांगने का राइट नहीं था. वुमेन कभी भी अपने राइट्स नहीं मांग सकती थी. वुमेन हैड टू डू ओनली हाउस होल्ड वर्क. आर्यन मदर्स के साथ उसने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, उन्हें प्रेस्टिजियस पोजिशन दी इन द सोसाइटी आर्यन मदर्स को, क्योंकि वो आर्यन बच्चों का नंबर मल्टीप्लाई करना चाहता था. वेयर एज ज्यूस मदर, उसने उनके साथ पुअर ट्रीटमेंट किया, वो ज्यूस का नंबर मल्टीप्लाई नहीं चाहता था, वो उनका नंबर कम करना चाहता था. तो ज्यूस को, उसने ज्यूस मदर्स को बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी. बच्चों के रेशियल टेस्ट करवाए, रेशियल एक्सपर्ट अपॉइंट किए जर्मनी में. तो इन दिस वे उसने सारा ये डिस्क्रिमिनेट किया वुमेन के साथ भी. अब अगर हम फ्रांस की और जर्मनी की वुमेन की लाइफ को कंपेयर करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप फ्रांस पढ़ के आए हो तो आपको पता है कि फ्रांस में वुमेन की लाइफ इतनी पुअर नहीं थी. इन फ्रांस वुमेन डिमांडेड फॉर देयर राइट्स. आपको बिगनिंग से ही पता है कि फ्रांस में वो शुरू से अपने राइट्स के लिए अवेयर थी और अपने राइट्स की डिमांड कर रही थी. Women in France demanded for their rights. They launched various feminist movements. No doubt, women ने वहाँ पे political club set up किए, political association set up किए. No doubt, वहाँ पे Robespierre जैसे लोग आए, women को execute भी कर दिया था. Olympedie Gorges आपने पढ़ा आएगा, तो उसको उसने execute भी कर दिया था क्योंकि उसने political club set up किया था. But वो Robespierre के period में हुआ. बाकी आप कहीं पे भी लुईस के पीरियड में ऐसा नहीं पढ़ा आपने कि वुमेन के साथ इनजस्टिस हुआ हो वहाँ पे. तो वो तो सोसाइटी को लेके करता था ना, जस्टिस लुईस 16. बट हियर, यहाँ पे तो वुमेन को बिल्कुल आवाज उठाने का राइट नहीं था. फ्रांस में वुमेन बिजनेस करती थी, छोटे छोटे शॉप्स थी उनकी, फ्लोरिस्ट थी वुमेन, जॉब्स करती थी वुमेन. आपने पढ़ा है सारा, है ना. फ्रांस में वो डिमांड भी रख सकती थी अपने राइट्स को लेके, मूवमेंट्स लॉन्च करती थी, कितने क्लब सेटअप किए, न्यूज़पेपर्स उन्होंने कितने न्यूज़पेपर, वुमेन एडिटर्स भी थी वहाँ पे. यू हैव रेड ऑल, फ्रांस में तो आपने पढ़ा कि सब कुछ, वुमेन को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई. बट इन जर्मनी वुमेन को कोई राइट नहीं थे. वुमेन घर के अंदर रहती थी, दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फॉर राइट्स. वो राइट्स की डिमांड भी नहीं रख सकती थी क्योंकि हिटलर के अकॉर्डिंग वुमेन को सिर्फ घर चलाना है एंड बच्चों की केयर करनी है और उन्हें काइंड हार्टेड रहना. तो इस तरह से फ्रांस और जर्मनी की वुमेन की अगर हम लाइफ कंपेयर करें तो फ्रांस की वुमेन की लाइफ वाज मच बेटर एज कंपेयर टू द लाइफ ऑफ द वुमेन ऑफ जर्मनी. तो नेक्स्ट, अब हिटलर का यूथ भी आपको पता चल गया कैसा था. हिटलर का यूथ वो तो था हिटलर की फेवर में, क्योंकि बिगनिंग से कौन सा पार्ट पढ़ के आया था, वर्शिप हिटलर एंड हेटर द ज्यूज.
तो उनको बिगनिंग से ये पाठ पढ़ाया गया था। तो वो तो हिटलर का यूथ जो था वो ऐसा ही था, वुमेन के साथ कैसे उसने डिस्क्रिमिनेट किया। इसकी अगर लाइफ को अगर ये पूछा जाए कंपेयर द लाइफ ऑफ वुमेन ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी, तो तब भी आपको बताना है। अब हिटलर ने हेट्रेड का प्रचार कैसे किया, उसने कौन कौन से मेथड्स अपनाए। हाउ ही प्रीच्ड हेट्रेड फॉर ज्यूज, क्या क्या किया, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, कार्टून्स बनाए, कैरिकेचर्स बनाए और इन्हें आर्यन बच्चों को दिखाया। उसने बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, उसमें ज्यूज के बैड करेक्टर्स दिखाए, उसने कार्टून्स कैरिकेचर्स बनाए, ज्यूज को मनी के बैग के ऊपर बैठे हुए दिखाया और आर्यन बच्चों को पढ़ाया कि ज्यूज मनी के लिए किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। इट मीन्स बच्चों को बिगनिंग में ही ये चीजें सिखाई गई कि ज्यूज जो है ना वो ग्रीडी होते हैं, वो किसी का भी मर्डर कर सकते हैं और लालच के लिए पैसों के लिए किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। तो ऐसी वाली कार्टून्स कैरिकेचर्स डॉक्यूमेंट्रीज ये आर्यन बच्चों को दिखाई। तो इस वजह से तो उसने इस तरह से अपना नफरत का प्रचार किया। ही प्रीच हेट्रेड फॉर ज्यूज, तो उसने ज्यूज के लिए नफरत का प्रचार कैसे कैसे किया। सबसे पहले तो उसने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। तो आप बताओगे कि डॉक्यूमेंट्रीज में किसके बैड करेक्टर्स दिखाए, ज्यूज के, और दिखाई भी किनको, आर्यन चिल्ड्रन को। आर्यन चिल्ड्रन को वो अगर आपको कोई ऐसी वाली मूवी दिखाई जाए जिस पर एक बार एक पर्सन का बार बार बैड करेक्टर दिखाया जाए, कहीं ना कहीं हमारे मन में भी आ जाएगा कि ये तो है ही ऐसा शायद। तो उसने ज्यूज को हर बार उनको उनके बैड करेक्टर दिखाए बच्चों को, आर्यन बच्चों को। इट मीन्स बच्चों के मन में बिगनिंग से ही ये बात से डाल दी गई के हेट्रेड द ज्यूज। तो इस वजह से उनके माइंड में भर दिया गया था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू हेट द ज्यूज, बिगनिंग से। और वैसे भी ने लो रैंक पे रखा, ज्यूज को लो रैंक पे रखा, आर्यन को टॉप रैंक पे रखा। स्कूल में इनको नफरत का प्रचार फैलाया, मदर्स के साथ पुअर ट्रीटमेंट किया ज्यूज मदर्स के साथ। तो हिटलर ना वैसे भी जर्मनी की स्पेस को बढ़ाना चाहता था। He forced Jews to leave Germany, नाजी जर्मनी छोड़ दो। ज्यूज को फोर्स करता था कि नाजी जर्मनी छोड़ के कहीं और चले जाओ। ज्यूज को गैस चैम्बर्स भेजा, गैस चैम्बर्स क्यों, फॉर मास किलिंग। गैस चैम्बर्स भेज के उनकी मास किलिंग की। मास किलिंग मीन्स वहां पे जाके गैस छोड़ देते थे। और हिटलर ने कभी भी जब भी उनको भेजता तो वो कभी भी ऐसे वाले वर्ड्स यूज नहीं करता था ताकि मीडिया में बात ना जाए। उसने स्पेशल वर्ड्स रखे हुए थे, जैसे कहता होता था टेक देम फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, टेक देम फॉर फाइनल सॉल्यूशन। तो ऐसे वाले वर्ड्स बोले जाते थे ताकि लोगों को ज्यादा पता ना लगे। टेक देम फॉर फाइनल सॉल्यूशन, तो उनको गैस चैम्बर्स भेजा जाता था और वहां पे ज्यूस की मास किलिंग की जाती थी। तो इस वजह से ज्यूस को नाजी जर्मनी में पूरी तरह से टॉर्चर किया गया, फोर्स देम टू लीव नाजी जर्मनी। हिटलर के पीरियड में जर्मनी जो था ना दैट बिकेम पुलिस स्टेट बन चुकी थी जर्मनी। क्यों पुलिस स्टेट थी, आपने पढ़ा है कि कहीं ना कहीं हिटलर का पूरा होल्ड था, ही वॉज डिक्टेटर। उसका आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, हर जगह पे वो जजेस के डिसीजंस तक चेंज कर देता था। ही हैड फुल होल्ड ऑन ऑल। तो हिटलर के पीरियड में जर्मनी वाज़ा पुलिस स्टेट, उसने सीक्रेट पुलिस अपॉइंट की हुई थी। अब जो सीक्रेट पुलिस थी ना गेस्टापो, वो क्या करते थे, लोग जो होते थे ना कोई भी हिटलर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता था। ऑल आर्यन वर नॉट बैड, सारे आर्यन बुरे नहीं थे। जैसे हम कहते हैं ऑल ब्रिटिश वर नॉट बैड, इंडिया में ब्रिटिश आए तो हम कहते हैं सारे ब्रिटिश बुरे नहीं थे। कुछ ब्रिटिश जो थे उनकी इंडियंस के साथ सिंपथीज थी, वो तरस करते थे इंडियंस की पुअर कंडीशन को लेके। सेम एज हम कहेंगे कि नाजी जर्मनी में भी जो आर्यन लोग थे ना सारे पुअर, सारे बुरे नहीं थे। सम हैड सिंपथीज विद ज्यूज बट दे कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर पाए क्योंकि जर्मनी था ही पुलिस स्टेट। दे कुड डू नथिंग क्योंकि हिटलर ने जगह जगह आप कह लो कि सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस अपॉइंट की हुई थी, सीक्रेट पुलिस। और सीक्रेट पुलिस जो थी ना
वो लोगों पे नजर रखती थी, अगर कोई भी हिटलर के अगेंस्ट बोलता तो उस पर्सन को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी। तो इट मीन्स नाजी जर्मनी में हम कहेंगे जो आर्यन थे ना, दे सॉ ईच एंड एवरी थिंग साइलेंटली, उन्होंने हर चीज, चाहे दे हैड सिंपथीज विद ज्यूज बट दे कुड डू नथिंग, दे सॉ ईच एंड एवरी थिंग साइलेंटली बिकॉज दे फियर्ड फ्रॉम नाजी ऑफिशियल्स। वो नाजी ऑफिशियल्स से डरते थे, नाजी ऑफिशियल्स वर वेरी क्रूर। और आपको पता है इनका एंड भी कैसा हुआ नाजी ऑफिशियल्स का, इन्होंने सुसाइड कमिट किए थे, ऑल कमिटेड सुसाइड, क्योंकि इनको था कि अगर हम एंड में, जब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारा है ना, जर्मनी गॉट डिफीटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड देन अगेन जर्मनी गॉट डिफीटेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारा ना, तो ये जो थे नाजी ऑफिशियल्स, इनको था कि अब हमें ज्यूज ने नहीं छोड़ना, ये हमें मार देंगे, क्योंकि इन्होंने ज्यूज के साथ बहुत पुअर ट्रीटमेंट किए थे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, दे कमिटेड सुसाइड, खुद ही सुसाइड कमिट कर लिए, इन्होंने अपने बच्चों तक को मार दिया। नाजी ऑफिशियल्स ने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सुसाइड कमिट किए थे। हिटलर हिमसेल्फ कमिटेड सुसाइड विद हिज बिलवड। तो इनका एंड ऐसा हुआ, अगर इन्होंने लोगों के साथ बहुत पुअर ट्रीटमेंट किए तो इनका खुद का एंड भी। आपने रॉबस्पियर भी तो पढ़ा है, रॉबस्पियर इन फ्रांस आपने पढ़ा कि रॉबस्पियर कैसे लोगों को टॉर्चर करता होता था, ही सेंड देम पीपल टू बुलेटिन, कैसे लोगों को बुलेटिन भेजता था जहाँ पे उनका सिर से धड़ से सिर लग कर देते थे। तो रॉबस्पियर का भी एंड क्या हुआ था, यू नो इट वेरी वेल, ही वाज ही हिमसेल्फ सेंट टू बुलेटिन बाय द कोर। तो रोबोस्पियर जो लोगों के धड़ से सिर अलग करता था, खुद का भी सेम हाल हुआ, सेम एज इन नाजी जर्मनी, हिटलर हिमसेल्फ कमिटेड सुसाइड। कहाँ ये इतना पावरफुल डिक्टेटर, कहाँ एक आप अगर हम बिगनिंग देखें तो पुअर फैमिली का बच्चा जो कि एक सोल्जर बन के जर्मनी की आर्मी में आया, और सोल्जर से कैसे वो पॉपुलर होके वो डिक्टेटर बना, और इतना पॉपुलर हो गया, ऐसे वाले मैसेजेस भी देता था। उसने एक थ्री पार्टेड पैक्ट साइन किया था तो हिटलर ने, तो उसमें उसने कहा था वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, वन लीडर कौन, हिटलर हिमसेल्फ। तो इस ऐसे मैसेजेस भी देता होता था हिटलर। तो ऑस्ट्रिया जर्मनी एंड प्रशिया के साथ उसने ये वाला एग्रीमेंट साइन किया था, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। तो उसमें उसने कहा था कि एक ही लीडर हूँ मैं, लीडर हूँ, एम्पायर सारी एक है। ऑस्ट्रिया को उसकी बर्थ प्लेस थी, यू नो इट वेरी वेल, ऑस्ट्रिया में उसका बर्थ हुआ था। तो ऐसे वाले मैसेजेस देता होता था। तो हिटलर जो था ना, वो अपना इंटरनेशनल लेवल तक पावरफुल था। अब हमने पढ़ना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी अंडर हिटलर, क्या सच में हिटलर ने पावर में आने के बाद जर्मनी की रिकंस्ट्रक्शन की? यस, आपने जो जो टर्म्स ऑफ ट्रीटी आपने टर्म्स पढ़ी है ना ट्रीटी ओवर सेल्स की, जैसे उसमें मैंने कल बताया था कि राइन एंड रोहर वैली वर टेकन बाय लाइट पावर्स, तो हिटलर सब कुछ छीन के भी लाया, उसने जर्मनी की रिकंस्ट्रक्शन की है। तो हिटलर ने जर्मनी को नो डाउट उसने डेवलपमेंट भी की, जियो पोलिटिकल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता था। जियो पोलिटिकल कॉन्सेप्ट में वो लैंड जो थी ना उसको बढ़ाना चाहता था, अपनी टेरिटरीज, जर्मनी की टेरिटरीज, लेबेंसरम हम कहेंगे कि लैंड जो थी वो बढ़ाना चाहता था। क्यों बढ़ाना चाहता था, उसको था कि जितने भी आर्यंस है ना जर्मनी में, उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो, उनके पास बड़े बड़े घर हो, उनके पास ज़्यादा एरिया रहने के लिए हो, कंजस्टेड एरियाज में ना रहना पड़े, उनके लिए वास्ट लैंड होनी चाहिए। तो दैट्स वाई वो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को भी हाई करना चाहता था। तो इसके लिए उसने दूसरी कंट्रीज पे भी अटैक किए थे, ठीक है। तो इस वजह से आप बताओगे तो कैसे कैसे हिटलर, ये हम कल करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी अंडर हिटलर को, हिटलर रिकंस्ट्रक्टेड जर्मनी। तो उसने क्या क्या किया उसके लिए,